कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। कांग्रेसी दिखे तो घुटने तोड़ देना, यह बात भाजपा नेता ने क्यों कहा? चलिए आज इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं। शायद भाजपा के लोग कांग्रेसियों से बेहद परेशान हैं, क्योंकि कांग्रेसी भाजपा में भी शामिल होकर राज कर रहे हैं। अधिकांश मंत्री कांग्रेस से आए हुए लोग ही बने हुए हैं। बेचारे भाजपाई जिन्होंने कई कई वर्षों से मेहनत करने के बाद मंत्री बनने के ख्वाब देखे, उनके सपने कांग्रेसियों ने चकनाचूर कर दिए हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास लोगों में से हैं। शिवराज को मौका मिला तो रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर तक विधानसभा में बनवा दिया, मगर अब चाहे कर भी मुख्यमंत्री शिवराज अपने चहेते विधायक रामेश्वर शर्मा को मंत्री नहीं बना पा रहे, या इसके कुछ और भी कारण है। रामेश्वर मंत्री न बन पाने के कारण आए दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे वह विवादों में घिरे रहे। फिर चाहे रामेश्वर को बाद में माफी मांगना पड़ जाए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वह माफी मांग भी लेते हैं। वैसे ब्राह्मण नेताओं का टेस्ट शिवराज के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होता प्रतीत हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा के रिश्ते को देखें या गोपाल भार्गव, यह दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के ताने बाने बुन रहे हैं। दूसरी लाइन में देखें तो रीवा के राजेंद्र शुक्ला और कटनी के संजय पाठक को भी शिवराज मंत्री नहीं बना पाए। वैसे शिवराज चाहते तो रामेश्वर, राजेंद्र या संजय को भी मंत्री बना लेते, जैसे विश्वास सारंग को मंत्री बनाया है। विश्वास कायस्थ समाज से है, शिवराज का ब्राह्मण प्रेम रामेश्वर समझे। अभी तो भाजपा को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। जितना भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी उतना भाजपा कांग्रेस युक्त होती जाएगी। जितना भाजपा कांग्रेस युक्त होती जाएगी उतना मूल भाजपाई पद पाने के लिए तड़पते, उखड़ते, भटकते नजर आएंगे। कर्जा लेके कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा, और इसलिए मेहरबानी करो थोड़ी शांति रखो और यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आया था, कुछ करके गया है?